हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है 9:10 का टाइम हो चुका है, तो सुबह का नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो वही मैं आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो वही मैं दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ। थोड़ी गंदी सी हो गई थी जो इस पे पड़ी हुई थी, और ये है गरम वाली बेडशीट। तो मेरे पास एक ही थी गरम बेडशीट, तो ये मैं दूसरी एक और लेकर आई हूँ। तो इसको आज मैं पहली बार ही इस पर बिछा रही हूँ और काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें देखने में थोड़ा सा कलर इसका कुछ अलग लग रहा है, पर वैसे काफ़ी अच्छा कलर है और अच्छी भी है, सभी को घर में काफ़ी पसंद आई है। मेरे पास एक थी ब्लू कलर की, और तो ठंड में गर्म बेडशीट अच्छी रहती हैं, तो इसलिए मैं दूसरी अभी खरीद कर लाई हूँ। तो चलो बिछा लेती हूँ बेडशीट, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो मेरी बेडशीट है जो बिस लग गई है, और पिलो कवर भी लग गए हैं, और ये वाले कवर हैं जो मुझे धुलने हैं। तो आज मैं कपड़े मशीन में लगाऊंगी, मशीन में ही धुलूंगी। तो अभी मैंने कपड़े लगाने हैं मशीन में, डाले नहीं हैं। तो अभी थोड़ा पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं मशीन में थोड़ा गुनगुना पानी में डाल दूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और अभी मेरी झाड़ू और पोछा रह गया है करने के लिए, तो झाड़ू लगा लेती हूँ। ये मेरी सुबह से दोबारा झाड़ू लग रही है, तो क्यों अंदर बाहर करते हैं, तो उससे क्या है मिट्टी हो ही जाती है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा के, और इसके बाद मेरा पोछा है जो लगा कर, और फिर मैं कपड़े वगैरह है डालने हैं मशीन में, तो वो करूँगी।
ये मेरी दोबारा झाड़ू लगी है, फिर भी कितनी सारी मिट्टी निकली हुई है। जूते चप्पलों में अंदर बाहर आओ जाओ तो काफ़ी मिट्टी आ जाती है। तो बस यही मैं यहाँ की सफाई करने के बाद, और मुझे ये पैरदान हैं जो वो भी बदलने हैं, ये भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, मैंने धुले भी नहीं हैं, शायद मुझे 15 दिन हो चुके हैं। और क्या है कि अभी बारिश वगैरह भी हो गई थी, तो उसमें क्या है अंदर बाहर करो बारिश में तो मिट्टी जूतों चप्पलों में बहुत ज़्यादा आती है, तो ये काफ़ी गंदे हो गए हैं, तो आज मैं ये भी धुलूँगी और दूसरे पैरदान डाल दूंगी। ये पैरदान है क्या, मैं मशीन में नहीं धुलूंगी, हाथ से ही धुलूंगी, क्योंकि ये ना मशीन वगैरह में धुलने से इनके जो धागे हैं वो टूट जाते हैं। मैंने एक बार धुल दिए थे तो मेरे एक पैरदान के ना धागे टूट गए हैं, और मैं उनको मतलब सुई से दोबारा से सही करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मशीन में डाल दूंगी तो इनके धागे टूट जाएंगे, तो वो मैंने मशीन में जब डाले तो उनके धागे टूट गए, तो अभी मैं हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन में नहीं डालती और ना ही मैं मशीन में मतलब सुखाती भी नहीं हूँ। 2-3 दिन लगते हैं सुखाने में, तो मैं धूप में ही सुखा लेती हूँ, पर मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी लिया है और उसमें सरफ में डालकर और ब्रश से साफ़ कर लूँगी, बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब वो ऊनी सा कपड़ा है इसका कुछ, तो जल्दी साफ़ हो जाता है। बस ब्रश मार दूँगी और इसको पानी में निकाल दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और बस ये मेरे धुल चुके हैं और सरफ का पानी बचा है, उससे क्या मैं बाथरूम को साफ़ कर दूँगी। जो पैरदान का पानी था वही सरफ वाला पानी बचा है, और इससे मैं ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी बाथरूम को। इस बाथरूम को मैं मतलब ब्रश से ही रगड़ के ज़्यादातर साफ़ करती हूँ, क्योंकि क्या है ये काफ़ी पुराना है इसका फ़र्श, तो इस पर ना सर्फ या साबुन है वो बहुत जल्दी जम जाता है, बैठ जाता है, तो ये फिसलने वाला हो जाता है, झाड़ू से उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है, हो तो जाता है लेकिन मैं पहले इसे ब्रश से अच्छे से रगड़ देती हूँ और फिर बाद में इसे पानी डालकर झाड़ू से साफ़ करती हूँ, तो उससे इसका पानी अच्छे से साफ़ हो जाता है। पर मैं इसे पहले ब्रश से ही रगड़ती हूँ, जिससे ना सर्फ पानी वगैरह कुछ भी जमा हो तो वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि फिर पैर बहुत ज़्यादा इस पे पैर फिसलने वाले हो जाते हैं।
तो इसलिए